हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे फर्स्ट क्लास मेरी तरह। दोस्तों अगर आप GoPro Hero 9 या Hero 10 या GoPro का कोई भी एक्शन कैमरा अगर आप यूज करते हैं तो आपको उसकी हाउसिंग की जरूरत तो पड़ती होगी। आपके पास ऑलरेडी हाउसिंग होगा, नहीं है तो उसको ले लीजिए। हाउसिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है अपने GoPro को माउंट करने के लिए। तो मैंने मंगाया GoPro Hero 10 के लिए ये एक हाउसिंग। GoPro Hero 9 या Hero 10 दोनों पर ये हाउसिंग लग जाता है। तो इस हाउसिंग केस को देखेंगे इसमें कैसा निकलता है। ये हाउसिंग केस मैंने अमेजोन से मंगाया है, कितने का मुझे पड़ा है मैं वीडियो में ही आपको बता दूंगा। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर ये निकला है हिफिन का G9 4। ये हमारे GoPro का हाउसिंग है। इसको मैंने बताया हीरो 10 और हीरो 9 दोनों पे इसे लगा सकते हैं। इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या निकलता है, क्योंकि मैंने जब ये मंगाया था तो मैंने बहुत रिव्यू देखने के बाद और बहुत इसकी सर्चिंग के बाद मैंने इसको मंगाया है। ये खाली है, इसको साइड कर देते हैं। ये हमारा हाउसिंग है, आप इसको देख सकते हैं। अभी इसके अंदर मैं ये बता दूंगा ये भी क्या है। हाउसिंग का इस तरह का डिज़ाइन आपको मिल जाता है। ये हिफिन का हाउसिंग है G9 4। ऊपर वाला जो सर्कल है जो हमारे लेंस पे लगता है, इसको आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। ये रिमूवेबल होता है, तो इसको हटाने के लिए मैं सीधा सिंपल है, इसको यहाँ से पकड़ खींच लेंगे, ये हट जाएगा आपका। येलो हो गया, अब हाउसिंग आपका इतना सा बचेगा। और ऊपर जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर आप अपना माइक लगा सकते हैं, साइड में आप अपनी कोई LED लाइट लगा सकते हैं। जैसे कोई ब्लॉग वगैरह शूट करते हैं ना आप नाइट में, तो आपको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आप कोई भी एक्सटर्नल लाइट लगा सकते हैं। कोई LED वगैरह आप अमेजोन पर सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगी। ऊपर आप माइक को माउंट कर सकते हैं। और ये वाला जो शटर देख रहे हैं आप, यहाँ पर बैटरी डालते हैं। ये दूसरा शटर है इस केस का। आप इसको थोड़ा सा, ये जो बटन है ना, जैसे मैंने आपको बताया, इस बटन को थोड़ा सा आप दबाएंगे बाहर की तरफ और फिर इसको जैसे यहाँ से खोलेंगे तो ये खुल जाएगा इजीली। कैमरे के शटर को मैंने पहले भी आपको दिखाया था वीडियो में, इसको यहाँ से पकड़ के खींचेंगे और जैसे इसे बाहर की तरफ खींचेंगे थोड़ा सा, तो ये आपका कैमरा का जो शटर है यहाँ से खुल जाएगा। थोड़ा सा टाइट है क्योंकि नया कैमरा है इसलिए थोड़ा सा टाइट चल रहा है। ठीक है, ये खुल गया। और ये जो शटर है, ये शटर आपको बाहर निकालना है। इसको आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा पकड़ के खींचेंगे और ऐसे खींचेंगे टूट ना जाए। इसको थोड़ा सा मैं आप दिखा रहा हूँ आपको, पहले इसको यहाँ से पकड़ के हल्का सा ये खींच देंगे। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी वो नहीं होता है लॉक वगैरह जो आपको प्रेस करना है या उसको खींचना है, बस इसको शटर भी बाहर निकाल देना, शटर निकल जाएगा आपका, कैमरा सिर्फ ऐसा बचेगा। फिर से इसे मैं डालता हूँ इसके अंदर, हाउसिंग के अंदर ये मैंने डाला। इसको लॉक कर दिया पिछले वाले शटर को और आप देख रहे ना, ये वाला अब इजीली यहाँ से लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब लॉक हो गया, अब ये आपका हाउसिंग हो गया। कैमरा ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन की जगह इन्होंने दी हुई है, यहाँ से आप बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऊपर वाले बटन के लिए भी जगह है यहाँ से, और यहाँ से आप अपने बैटरी को यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। चार्जर लगाने के लिए यहाँ से इन्होंने जगह दी हुई है। अभी पता है क्या, यहाँ से आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। और जब आपके कैमरे का जो शटर लगा होता है ना, उसमें कोई भी जगह नहीं होती चार्जिंग की, पहले शटर आपको ओपन करना पड़ता है तब यहाँ से आप चार्जिंग लगाते हैं। और इसमें क्या, इसमें डायरेक्टली आप चार्जिंग लगा सकते हैं, शटर को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं, सबसे नीचे यहाँ पर लगाते हैं अपने माइक का अडेप्टर, जो टाइप सी अडेप्टर होता है, क्योंकि इसमें 3.5 mm का जैक तो इसमें लगता नहीं है। तो आपके माइक का जो जैक होता है 3.5 mm का, वो अपने माइक के अडेप्टर में लगाते हैं। GoPro का एक अडेप्टर आता है, उसमें आप लगाते हैं। तो उसके अडेप्टर की जो केबल होती है उसको आप अपने GoPro के अंदर लगाते हैं टाइप सी को। तो उस अडेप्टर को रखने के लिए यहाँ पर पहले से एक जगह दी हुई है, यहाँ पर अपने माइक का अडेप्टर आप लगा सकते हैं। हाउसिंग लगने के बाद कैमरे का लुक पूरा चेंज हो गया है। कैमरा आप देख सकते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है आपके कैमरे को। और एक चीज़ ये भी है, आपको जब अपने कैमरे में माइक का अडेप्टर लगाना है तो उसको लगाने के लिए, अगर आप इस केस को नहीं लेते हैं तो अडेप्टर लगाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस केस को लगाने के बाद अडेप्टर आप इजीली यहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें सेट हो जाएगा अडेप्टर। तो एक चीज़ ये भी है, और सेफ्टी तो इससे हो ही जाती है और लुक भी बहुत अच्छा रहा है। अभी ये सर्कल जो मैंने हटाया था, इस सर्कल को आप यहाँ पर लगाएंगे, अगर मैं यहाँ से लगा कर देखता हूँ उसको, तो और भी अच्छा लुक आ जाएगा। एक चीज़ और मैंने इसका, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। इसमें क्या है, इसको आप खोलते हैं, ये लेंस का कवर है। मतलब क्या होता है कि लेंस, अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे, कोई शूट वगैरह नहीं कर रहे, तो उसको लेंस पे लगा सकते हैं। लेकिन ये तब लगेगा जब, मतलब ये सर्कल आप हटा देंगे ये तब लग पाएगा। तो इसको लगाने के लिए आप इजीली इसको यहाँ से लगा सकते हैं। इसको यहाँ पर रखेंगे और थोड़ा इसको प्रेस कर देंगे तो ये चिपक जाएगा इस पर। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जो लेंस है आपका वो बंद हो चुका है पूरी तरह, जैसे वो कैमरे वगैरह में रहता है ना उसके तरह से। और इसको हटाने के लिए साइड से पकड़ कर थोड़ा सा इसे खींचेंगे तो ये अलग हट जाएगा। और बाकी आप इससे लगा सकते हैं चाहे तो, यहाँ से इजीली ये तो लग ही जाता है।
लग गया। अगर आपके पास हीरो 9 या हीरो 10 है या 8 भी है तो आपको हाउसिंग लगाना चाहिए उस पर, क्योंकि इससे आपके कैमरे की सेफ्टी रहती है। ये मुझे कितने का पड़ा है देखो, एक चीज और ये भी है, ये हिफिन का G9 4 है और इसी प्राइस सेगमेंट में एक और आता है उलांजी का। ये दोनों बहुत ही अच्छे हाउसिंग है और इसकी प्राइसिंग ये पड़ा है मुझे 1350 रुपए का, 1350 रुपीज का ये मुझे पड़ा है और क्वालिटी इसकी बाकी बहुत अच्छी है, आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच।